अस्सलामुअलैकुम, आप हैं वक्त के साथ और मैं हूं लुकमान अली। सबसे पहले वक्त हेडलाइंस। हलीमा कत्ल केस, तफ्तीशी अफसर को गिरफ्तार, मुलजमा सोनिया के खिलाफ शवाहिद न मिले। पुलिस का मुलजमा को रिहा करने का फैसला, तफ्तीशी अफसर आज अदालत में रिपोर्ट पेश करेगा। बासर वडेरे के रिश्तेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना जुर्म बन गया। घोटकी में बेटे के कत्ल की पैरवी पर पुलिस ने माजूर शख्स को अहले खाना समेत यरगमाल बना लिया। भाई गिरफ्तार, तशद्दुद का निशाना भी बनाया। वक्त न्यूज ने मजलूम की आवाज बन गया। साहिवाल में मुसाफिर बस और ट्रक के दरमियान खौफनाक तसादुम, 6 अफराद जिंदगी हार गए, 40 जख्मी, अहले खाना गम से निढाल। मुश्ताक रईसानी करप्शन केस, साबिक सेक्रेटरी खजाना का फ्रंटमैन सलीम शाह अंदरून सिंध से गिरफ्तार, मुलजिम को आज एहतसाब अदालत पेश किए जाने का इम्कान। डॉक्टर आसिम केस में नया मोड़, साबिक मुशीर पेट्रोलियम का सनसनीखेज वीडियो बयान मंजरेआम पर आ गया। साबिक सदर आसिफ जरदारी का करीबी दोस्त अवैस मुजफ्फर, टिप्पी हर किस्म की करप्शन में मुलव्विस है, ओहदा ना होते हुए भी वजीर आला बन बैठा था। अवैस मुजफ्फर ने धमकी दी, ऐसा टीका लगाऊंगा कि याद रखोगे। तोरखम बॉर्डर पर सीज फायर के बावजूद दो तरफा आमदोरफ्त बहाल ना हो सकी, सरहद पर अमन परचम लहरा दिए गए। पाकिस्तान ने चेक प्वाइंट पर गेट की तामीर दोबारा शुरू कर दी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश, कई छतें और दीवारें गिर गई, मुतअद्दी दरख्त उखड़ गए। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, खैबर पख्तूनख्वा में आज भी बारिश का इम्कान। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स 250 पॉइंट्स इजाफे के साथ 38,818 पॉइंट्स पर पहुंच गया।